दिस इज अंजू, वेलकम टू माई मोटिवेशनल जोन वंस अगेन। आई होप एवरीबडी विल बी फाइन। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम हेयर टूडे। आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू कि बहुत से लोग पावर ढूंढते हैं, अपनी शक्ति ढूंढते हैं, अपनी स्ट्रेंथ ढूंढते हैं, अपना कॉन्फिडेंस ढूंढते हैं, यहाँ वहाँ इधर उधर। क्या सच में पावर और कॉन्फिडेंस इधर उधर है? ऐसा होता है क्या? आई डोंट थिंक सो। पावर हमारे अंदर है, शक्ति हमारे अंदर है, कॉन्फिडेंस हमारे अंदर है, स्ट्रेंथ हमारे अंदर है। हम यहाँ वहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं? कहीं कुछ नहीं है। हमें तो बस दूसरों से इंस्पायर होना चाहिए, उनसे मोटिवेट होना चाहिए, दैट्स ऑल। बट जो कुछ करना है आपको करना है, पावर आपके पास है। अब इसको आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? कई बार हम बहुत जल्दी होपलेस हो जाते हैं और हम पता ही नहीं लगा पाते कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कभी सोचा है आपने, हम जो चीज़ इधर उधर ढूंढते हैं वो हमारे ही अंदर है, isn't it? कभी सोच के देखिए, हम सब जगह वो काम करते हैं, सब जगह वो चीज़ ढूंढते हैं। कभी अपने आप को 2 या 3 मिनट देकर देखिए, बिल्कुल अलोन, और सोचिए वो सारी स्ट्रेंथ, सारी पावर्स हमारे पास हैं जो हमें स्ट्रांग बनाते हैं। जब हम बीमार होते हैं हमें हिम्मत देती हैं, या हम उठ के बैठ जाते हैं। ऐसे हर वो काम जो हमें अच्छे लगते हैं करने, या जो हमें ताकत देते हैं, या जो लोगों के बीच में हमें कहीं ना कहीं एक इमेज, एक रैपो बनाने के लिए जो भी हम वक्त काम करते हैं, उसके लिए जो भी हमें स्ट्रेंथ मिलती है, हम एकदम से खड़े हो जाते हैं उसे करने के लिए। ऐसा होता है ना? शायद आप सबके साथ भी होता होगा, मेरे साथ तो बहुत होता है। अगर मैं कई बार अनवेल होती हूँ, या ठीक नहीं होती हूँ, या अच्छा फील नहीं कर रही होती हूँ, या कोई ऐसा इश्यू होता है, मुझे वर्क करना बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली एजुकेशनल वर्क। पढ़ाती हूँ तो ओबियसली मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। तो कई बार क्या होता है, अगर मैं अपने आप को लो फील करती हूँ, या मैं बीमार फील करती हूँ, और कई बार ऐसा होता भी है कि नेक्स्ट डे जब मुझे कॉलेज के लिए जाना होता है, तो मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से स्ट्रेंथ आ जाती, क्योंकि वो मुझे इंस्पायर करती और वो चीज़ मुझे हिम्मत देती। मैं अपनी सारी बीमारी भूल जाती हूँ, मैं अपनी सारी तकलीफें भूल जाती हूँ। तो पावर कहाँ है? पावर हमारे अंदर है, जिसे हम इधर उधर ढूंढते हैं वो सब हमारे अंदर है। सो कभी भी उसको निग्लेक्ट मत करिए, अपने आप को चेक करिए, अपने आप को 2 से 3 मिनट्स आप डेली दीजिए, और अपने आप से कहिए, हमारे अंदर ही सब कुछ है। वी आर पावरफुल, वी आर मैग्निफाइड, वी आर ऑसम, वी आर ब्यूटिफुल। सब कुछ तो आप हैं, हम इधर उधर कहाँ ढूंढते हैं? इन सब के लिए करना क्या है? अपनी स्ट्रेंथ बचाए रखने के लिए, अपने आप को पावरफुल रखने के लिए, कॉन्फिडेंट रखने के लिए करना क्या है? आप अपने आप से ही, आपको जब भी आप ऐसा फील करें, आप अपने आप से कहें, यू आर वेरी इम्प्रेसिव, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, यू हैव समथिंग इन यू। आपके अंदर वो सब कुछ है जो आप दूसरों से सोचते हो कि दूसरे लोग आपको प्रेज करें, एडमायर करें, वो सब आपको अपने आप से कहना है, कहीं से सुनने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपने अंदर ये फीलिंग ले आएंगे, आई हैव समथिंग, कुछ तो गट्स हैं मेरे में, मैं हर चैलेंज को एक्सेप्ट करती हूँ, इट मीन्स। तो ये जब चीज़ें आप अपने आप से कहने लगेंगे, आपको कहीं से परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी अपने कॉन्फिडेंट को वापस लाने के लिए। आप कर सकते, आप कोशिश करके देखिए। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जस्ट ट्राई दिस, इसमें कुछ आपका जाएगा तो नहीं, एटलीस्ट आप 2-3-4 मिनट अपने आप को देकर देखिए। अगर आपको अच्छा लगे ये चीज़ें, एफर्ट तो देखिए सब करते हैं सक्सेसफुल होने के लिए। हम लोग ढूंढते हैं कि मनी में पावर है, या फिर दुनिया में हर जगह हम कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढते रहते हैं। एक्चुअली ठीक है, मनी का एक अपना इम्पोर्टेंस है, बट
जो एक्चुअल हम आगे बढ़ने के लिए जो हमें चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सब हमारे पास होती है। वो बात अलग है कि हम उनका यूज़ नहीं करते, दैट्स इट। तो आप ये चीज़ें करके देखिए, अपने आप से कहिए, आप दूसरों का वेट मत करिए, अपने आप से कहिए और अपने आप एफर्ट करिए, फिर देखिए कमाल। सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग विद अंजलि।